मगर नहीं, देश का प्रधानमंत्री जा सकता है, कह सकता है भैया मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं, बाकी हिंदुस्तान बायोलॉजिकल है, बाकी हिंदुस्तान बायोलॉजिकली पैदा हुए, मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं, मैं डायरेक्ट भगवान से बात करता हूं। और इस चुनाव में भगवान ने नरेंद्र मोदी को डायरेक्ट मैसेज दे दिया कि भैया आपको लगता है कि आप भगवान से बात करते हो, मगर भगवान आम जनता से बात करता है और भगवान आम जनता की राय को सुनकर काम करता है। तो हमने नरेंद्र मोदी को साइकोलॉजिकली उड़ा दिया है। मैं आपको बता रहा हूं, मैं पार्लियामेंट में बैठता हूं, उनके सामने पार्लियामेंट में बैठता हूं, पूरी कॉन्फिडेंस गायब हो गई उनकी। इंडिया गठबंधन खड़ा हो गया, एक साथ मिलकर हम लड़े, पूरी की पूरी कॉन्फिडेंस हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की गायब हो गई है। आप मुझे बताओ, आप देखो, उन्होंने पहले कहा कि जाति जनगणना नहीं होगा, हमने कहा जाति जनगणना होगा, अब आरएसएस के लोग कह रहे हैं भैया जाति जनगणना सही बात है। फिर वो उन्होंने कहा कि हम लैटरल एंट्री से बाहर के लोगों को सरकार में लाना चाहते हैं, हमने कहा ऐसे नहीं होगा। पार्लियामेंट में बात उठाई, थोड़ा सा दबाव डाला, बीजेपी के लोग कहते हैं नहीं भैया लैटरल एंट्री नहीं होगी। तो अब एक बात समझ लो, अब नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान की जनता से डरते हैं। If you like this video, then like, share and subscribe to ET Now.